ये तब हाल है जब हजारों लाखों लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तेलंगाना भी इससे अलग नहीं है, यहाँ पर लोग लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा तो बच्चों की तरह रोते नजर आए। ऐसे तो आपने बच्चों को भी रोते नहीं देखा होगा, ये तो फिर नौजवान है। लेकिन आदत से मजबूत, तभी आज ये नौबत आई। दहाड़ मारकर रोने के बावजूद पुलिस ने इन पर रहम नहीं किया, खींच कर पुलिस की गाड़ी में चढ़ा दिया। एक एक कर कई लोग इसी तरह कानून के शिकंजे में आ गए। कसूर ये कि ये सभी कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। ये तस्वीरें तेलंगाना के पेड्डापल्ली की हैं। तेलंगाना में 31 मई तक लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 मई को कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बीच पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। उसी सख्ती के तहत इन लोगों को लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमते पकड़ा गया। सुबह के 10 बजे पुलिस ने इन्हें घेरा और फिर अपने साथ ले गई। गुरुवार को रामागुंडम पुलिस इन लोगों को कोविड आइसोलेशन सेंटर ले गई। कुछ घंटे बाद पुलिस ने इन लोगों को छोड़ भी दिया। लेकिन अब पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी को बेवजह घूमते पाया गया तो उसे 15 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।